रूस लगातार यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है, जिससे यहाँ हालात काफी खराब हो चुके हैं। यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं भारतीय छात्र छात्राओं के परिजनों की अपने बच्चों को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। गुआना के मुंडलाना गांव के साहिल यूक्रेन में MBBS करने के लिए 2 साल पहले गए हुए थे। साहिल ने वीडियो जारी कर वहाँ के हालातों के बारे में बताया कि किस तरह वो युद्ध के दौरान वहाँ फंस गए हैं, परेशान है। साहिल के घर पर मायूसी छाई हुई है। साहिल और उनके परिजन उन्हें भारत सरकार से वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। में फंसे हुए हैं यहाँ पे मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड। हम अभी यूनिवर्सिटी स्टेशन खार्किव सिटी यूक्रेन, और मैं गोहाना मुडलाना गांव से हूँ, सोनीपत शहर से हरियाणा। और यहाँ पे काफी पैनिक सिचुएशन है, हम अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऊपर लार्ज स्केल पे बॉम्बिंग हो रही है, सबने हाई अलर्ट कर दिया कि अंदर ही रहना, हमारे पास खाने पीने का कुछ नहीं है, कोई सप्लाई नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट इधर फंसे हुए हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग मेट्रो स्टेशन के अंदर हैं। हमारे हमको मदद चाहिए किसी भी टाइप की, किसी भी तरह से मतलब इवेपेट किया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा ड्राइविंग घर वाले लगातार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कैसी सिचुएशन है, कैसे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो प्लीज कैसे भी करके हमारी मदद कीजिए। जो हालात हुए हैं अभी, तो वो फोन कर करके बार बार वो एम्बेसी वालों से भी अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है, हमें अंडरग्राउंड भेज दिया गया है। -7 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है नाइट में, दिन में -2 चल रहा है। खाने के लिए नहीं है बच्चों के पास, पीने के लिए नहीं है। वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग तो हैं, पर ये बताओ ना, जहाँ पे बॉम्बार्डिंग की आवाज़ आती है वहाँ पे बच्चे कैसे शांत रह सकते हैं? बच्चों से लेके बूढ़े जवान सब पैनिक हो रखे हैं, खास तौर पे इंडियन स्टूडेंट्स। मैंने 2 साल पीछे भेजा था, आज 3रा साल लग गया उसको। मैंने पहले लड़कियों को कर्जा उठा के पढ़ा दिया था, उसका कर्जा लोन दे के उतर गया, ये कर्जा उठा के इसको भेजा था। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैंने 3रा साल लग गया, मेरा बेटा वही फंसा हुआ है। गवर्नमेंट हमारी सहायता करे, हम कर्जे पर भी डूब गए, बच्चा भी नहीं हमारे पास, हम क्या करें? कुछ भी नहीं सहायता मिली किसी गवर्नमेंट का, हमारे पास ना फोन या ना मेरे लड़के के पास कोई मदद गई है। ये गवर्नमेंट मीडिया के तरफ से दिलासा दे रही है, को हमने बात करे की लड़के ने बोला मेरे यहाँ कोई नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, किसी की मदद नहीं आ रही। वो भूखा तेसा है, स्टेशनों के नीचे है, 2 इंच वो तो के बोलो पॉइंट नीचे वो है, ठंड है, वहीं भूखे तेसाए बैठे हैं, मरेंगे या जियेंगे? गवर्नमेंट